नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में 131 लोग कोरोना पॉजिटिव, एक की गई जान। हिमाचल में कोरोना महामारी बढ़ रही है। रविवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 131 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि प्रदेश में व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हुई। प्रदेश की राजधानी शिमला में 45 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना संक्रमण के चलते जान गई। रिपोर्ट के अनुसार 125 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। हिमाचल में आज दिन की बात करें तो 221,437 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 216,413 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज दिन तक 3,704 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। हिमाचल में कल थमे रहेंगे परिवहन निगम की 2800 बसों के पहिए। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से पथ परिवहन निगम की बस सेवाएं ठप रहेंगी। रविवार रात 12 बजे से सोमवार 12 बजे तक सड़कों पर निगम की बसें नहीं चलेगी। लोकल रूट्स पर भले ही निजी बसें चलती रहें, लेकिन लंबे रूट पर बस सेवाएं बाधित रहने से लोगों को परेशानी होगी। HRTC के बेड़े में 3,350 बसें हैं, इसमें 2,800 बसें विभिन्न रूट्स पर दौड़ रही हैं। HRTC के कर्मचारी मुख्यालय समेत अन्य यूनिट्स में प्रदर्शन करेंगे। पर्यटकों के रोहतांग जाने पर रोक, मनाली लेह मार्ग हुआ बंद। हिमाचल में दो दिन के ऑरेंज अलर्ट के बीच रविवार को बारिश और बर्फबारी हुई। विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रे में एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बारालाचा, कुंजुम पास, मनाली, लाहौल स्पीति, धौलाधार और चंबा की ऊंची चोटियां, मकरवे, शिकरवे, सेवन सिस्टर पीक, मनाली पीक, लद्दाखी पीक, पतालसू पीक, देव टिब्बा, हनुमान टिब्बा, शेतीधार, दशोहर लेक, व्यास कुंड, मणिमहेश, कुगती, चौबिया, क्वारसी और जालसू में ताजा हिमपात हुआ। ताजा बर्फबारी के बाद दो दिन के लिए रोहतांग दर्रे में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी गई। हालांकि अटल टनल से आवाजाही सुचारू रहेगी। ऊना में डेंगू के 3 व स्क्रब टाइफस के 7 मामले आए सामने। जिला ऊना में डेंगू और स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को ही डेंगू के 3 मामले सामने आए। तीनों ही मरीज अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। पिछले 3 दिनों में स्क्रब टाइफस के 7 केस सामने आए और उन्हें भी अस्पतालों में उपचाराधीन करवाया गया है। लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते स्वास्थ्य विभाग ने भी एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए और CMO ऊना ने सभी 5 स्वास्थ्य खंड अधिकारियों को इस संबंध में स्वयं नजर रखने और लक्षण दिखने पर मरीजों के टेस्ट करवाने के निर्देश जारी कर दिए। कांग्रेस ने कभी गरीबों के बारे में नहीं सोचा, उन्हें तो केवल सत्ता चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी गरीब व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा, उन्हें केवल सत्ता चाहिए होती है। रविवार को बरियारा, बागी, रतिपुल और पंडोह में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद भाजपा ने 4 वर्षों में वह कार्य किए जो कांग्रेस की सोच से परे थे। 50 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। केवल 2 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल में थे, लेकिन आज प्रदेश में करीब 30 ऑक्सीजन प्लांट हैं। मुख्यमंत्री ने महंगाई को लेकर कहा कि आज कांग्रेस के नेता महंगाई बढ़ाने की दुहाई देते हैं, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह कांग्रेस है। महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि कुछ लोगों ने इस देश को लूटने के लिए लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले किए और इन घोटालों के लिए कांग्रेस के कई नेता आज भी सलाखों के पीछे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग बोले, ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन बनकर रहेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गसौता महादेव मंदिर में जनसभा के दौरान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन पर दावा किया कि ये रेलवे लाइन बनकर रहेगी। ताकि फिलहाल जाहू में हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर कोई योजना नहीं, बल्कि विधानसभा क्षेत्र के हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र से बातचीत कर रहे हैं। सीएम जयराम बोले, प्रतिभा एक नहीं अनेक बार कह रही, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी विधानसभा क्षेत्र के बग्गी बरियारा में चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने कांग्रेस की मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी आशा कुमारी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रतिभा सिंह ने अपने भाषण में एक नहीं अनेक बार कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, मुझे धकेल दिया गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने खुद किया, लेकिन कांग्रेस की नेता मंडी में आकर कहती हैं कि कमजोर नहीं मानना चाहिए। राजेंद्र बोले, पार्टी से क्या हटाएंगे मुझे, पहले ही दे चुका हूँ कांग्रेस से इस्तीफा।
अर्की विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस टिकट की होड़ में बाजी हार चुके राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि पार्टी मुझे क्या हटाएगी, मैं पहले ही कांग्रेस और पद से इस्तीफा दे चुका हूं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी को 5 अंकों से हार देंगे। प्रदेश कांग्रेस से राजेंद्र ठाकुर को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। इस पर राजेंद्र ठाकुर ने रविवार को अमर उजाला से बातचीत करते हुए कहा कि उनको पार्टी से निष्कासित करने की कोई तुक नहीं है। छन्नी बेली के नशा तस्करों की 6 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त, अदालत ने दिया आदेश। हिमाचल में नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांगड़ा जिले के छन्नी बेली गांव में नशे से कमाई गई नशा तस्करों की करोड़ों रुपए की संपत्तियों को भी अदालत ने जब्त करने के आदेश दिए। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने करीब 6,96,67,079 रुपए की संपत्ति को जब्त करने का फैसला सुनाया है। युवक ने कॉलेज की छात्रा को ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म, पांवटा से धरा आरोपी। हिमाचल के सिरमौर जिले में एक शिलाई कॉलेज की छात्रा से उसके साथ ही पढ़ने वाले सहपाठी ने दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस को करीब 2 सप्ताह बाद आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। आरोपी युवक उत्तराखंड भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पांवटा साहिब के बाता चौक से ही धर दबोचा। मामला दर्ज होने के बाद फरार हुए आरोपी युवक की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, जिसकी फोटो भी पुलिस ने मीडिया में शेयर की थी। मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग से की जाएगी मतदान प्रक्रिया की निगरानी। हिमाचल में होने वाले उपचुनाव में होने वाली मतदान प्रक्रिया की निगरानी इस बार वेबकास्टिंग के द्वारा की जाएगी। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश सी पाल रासू ने दी। उन्होंने बताया कि मंडी लोकसभा और फतेहपुर अर्की और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में 50% मतदान केंद्रों को वेबकास्टिंग के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। पीएचडी में शिक्षकों के बच्चों को बिना नेट प्रवेश परीक्षा के दाखिला कितना सही, आप करें फैसला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी दाखिले में विश्वविद्यालय अध्यापकों के बच्चों को छूट देने के फैसले का विरोध किया। बता दें कि पीएचडी दाखिले में विश्वविद्यालय के अध्यापकों के बच्चे को बिना नेट जीआरएफ व प्रवेश परीक्षा के दाखिला देने का निर्णय लिया गया था, जिसका एबीवीपी ने कड़ा विरोध किया। अभावित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष विशाल सकलानी ने बताया कि विश्वविद्यालय के द्वारा अध्यापकों के बच्चों को पीएचडी दाखिले में अनुचित तवज्जो देना आम छात्रों के साथ धोखा है। हजारों अभ्यर्थियों ने दी क्लर्क व असिस्टेंट मैनेजर भर्ती की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने रविवार को क्लर्क और असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के पद भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया। दोनों परीक्षाओं के लिए 65,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। क्लर्क पोस्ट कोड 839 के तहत 19 पदों के लिए 64,214 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रदेश के सभी जिलों में लिखित परीक्षा हुई, इसके लिए 299 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। जमजाल के भद्रोया में 7.11 ग्राम चिट्टे के साथ दंपति गिरफ्तार। जिला नारकोटिक सेल की टीम ने डमटाल के भद्रोया में एक दंपति को 7.11 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। जिला नारकोटिक सेल की टीम के प्रभारी एएसआई हामिद मोहम्मद के नेतृत्व में अर्जुन संदीप दिलबाग, महिला आरक्षी लता व पुलिसकर्मी डमटाल के तहत गांव भद्रोया में गश्त पर थे। इस दौरान सामने से आ रही बाइक पर सवार व्यक्ति व महिला घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे। शक होने पर पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। तलाशी लेने पर उसमें 7.11 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रामपुर की नैनी बस धौर सड़क पर हादसा, ट्रक के खाई में गिरने से चालक की हुई मौत। उपमंडल रामपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च 5 पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय उच्च 5 पर नैनी बस धौर सड़क मार्ग में एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में लुढ़क गया। इस दुर्घटना में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क की बदहाली पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, NH 707 पर किया चक्का जाम। पावटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे पर तारूवाला में सड़क की बदहाली पर गुस्साए लोगों ने रविवार को NH 707 जाम कर दिया। कांग्रेस मंडल अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा कि बार बार आग्रह के बाद भी सड़क की दयनीय हालत को सुधारा नहीं जा रहा, इससे आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये थी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।